वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम इस्माइल सैयद इनामदार, मैं एक्साइज सुपरिटेंडेंट हूँ भिवाड़ डिस्ट्रिक्ट के। मैं अल सैद टूर ट्रैवल से आज ज़ियारत उमरा करने के लिए फैमिली के साथ आया हूँ। पहले हम मक्का शरीफ गए, मक्का शरीफ में नवरत्न होटल में रुके और नवरत्न होटल में रुकने के बाद वहाँ पर ज़ियारत करे अंदरूनी और बैरूनी और टाइप को लेकर गए थे, वहाँ पर उमरा करे। और जो जो ट्रेनिंग में वहाँ बताए थे पूरे सारे हमारे को पूरा फिजिकली प्रैक्टिकली आके समझाए पूरा, और पूरा सुकून से के साथ समझाए कि तो प्रॉब्लम नहीं रहा। होटल का इंतजाम भी अच्छा था, होटल में खाने का तरीका और खाना हमारा गुलमर्ग का खाना था, खाने में सब कुछ था और वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन मुर्गी वाइट चावल रोटी और टिफिन सब कुछ अच्छा था, अच्छा रहा माशाल्लाह, सब अच्छा इंतजाम करें। और वहाँ से मक्का से मदीना आते जब बाजार का अभी ये करा है हमारे को बाजार का, और वहाँ पर भी वहाँ नमाज अदा करें। उसके बाद वो कौन सा वो और एक वहाँ रुके थे ना बदर शहदा मकबरा शहदा दीरे शिफा, दीरे शिफा को क्योंकि वो ना मालूम ही नहीं था, हम ना पढ़े थे ना सुने थे। दीरे शिफा को भी लेके गए वहाँ, बॉडी का ये भी अब काम चल रहा था वो भी देखने में आया वहाँ से। और दीरे शिफा में पानी भी ले लिया हम लोग सब वहाँ से, मदीना शरीफ को आ गए। मदीना शरीफ में गुल्लार तैयबा होटल में रुका है, यहाँ पर आने के बाद यहाँ मदीने में सब तरीके से ज़ियारत हो गए, अंदरूनी भी हो गए और बैरूनी भी कराए। और यहाँ पर मस्जिद रियाजुल जन्ना, रियाजुल जन्ना परमिशन लेके रियाजुल जन्ना में जाके वहाँ भी दो रकात नमाज अदा करे और लेडीज भी जाके अदा करे। और मस्जिद मस्जिद खुबा, मस्जिद खुबा को गए वहाँ भी नमाज पढ़े। उसके बाद क़िबलतैन मस्जिद वहाँ पर भी जाके वहाँ भी इजारत करें। और मदीने में अच्छा रहा हमारे को टाइम बस नहीं हुआ, काफ़ी नहीं हुआ, अभी दो दिन टाइम ज़रूरत थी क्या करना है, टूर के हिसाब से हम जाना पड़ रहा है। मेरी ख्वाहिश यही है और गुजारिश है आगे आने वाले के लिए जो ख्वाहिशमंद है एक महीने में नहीं तो दो महीने में एक बार मदीने का एक दो दिन एक्स्ट्रा कर सकते, और एक्स्ट्रा चार्ज हो तो परवाह नहीं। जो ख्वाहिशमंद है उनके लिए मदीने को 8 दिन का तो एटलीस्ट इधर स्टे रखे तो अच्छा रहे, मेरी वो ख्वाहिश है। अब अल सैद टूर ट्रैवल्स से जो भी हमारे को सहूलत दी, पूरे तरीके से अच्छे तरीके से सहूलत दी मिले, कुछ तकलीफ नहीं हुई हमारे कौन से भी चीज़ से, खाने पीने में रहते, पैसे के मामले में रहते, सामान उतारने में चढ़ाने में और रूम के बारे में लॉजिंग के बारे में सब तरीके से हमको साथ दिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं रहा। और आगे आने वाले लोगों को भी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एल सैद ट्रैवल से आप जो लोग उमरा और हज करें तो अच्छा रहता है, और दूसरे ट्रैवल से करें तो कैसे बोलते और ले जाते कराते, और आने के बाद हमको मालूम ही नहीं रहता हो गया बराबर बिल्कुल चले जाते हैं। इसीलिए अल सैद का ट्रैवल्स करें तो बहुत अच्छा है, और उनके लिए भी सुकून से हो जाते, सब अरकान पूरे हो जाते और दिल भर के आ जाते हैं हमारा अरकान, ये एक ही ख्वाहिश है। और आइंदा से भी मैं उमरा करने का ख्वाहिश रख रहा हूँ, रखे तो नेक्स्ट आए तो भी अल सैद से आने की तैयार कर रहा हूँ। लोगों को भी मैं यही बोलना चाहता हूँ अल सैद से ट्रैवल करके ज़ियारत और उमरा और हज करें तो अच्छा है।